नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी एक CSC सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले TEC यानी कि टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स को पूरा करना होता है। यह एक तरह का एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स होता है जिसे CSC एकेडमी और ISB यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। जब आप इस कोर्स को www.csceentrepreneur.in पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको उसके 10 असेसमेंट को पूरा करना होता है। वैसे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टडी मटेरियल PDF और वीडियो फॉर्मेट में मिल जाते हैं, फिर भी हमें एक सिंपल क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं असेसमेंट का क्वेश्चंस और आंसर देखेंगे जो कि ऑलरेडी पूछे गए हैं, जिसे देखकर और समझकर आप आसानी से अपना असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो असेसमेंट का क्वेश्चंस होगा वो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा इसका, उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक असेसमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो असेसमेंट है वह एंटरप्रेन्योरशिप पर है। तो असेसमेंट नंबर 1 में जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग अप अ न्यू वेंचर विथ अ न्यू आइडिया इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम अर्थात बिजनेस शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। तो ये जो आंसर होगा इसका ट्रू होगा, तो यहाँ पर आपको ट्रू पर क्लिक करना है। तो ये आंसर क्या है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ वेल्थ। उद्यमिता जो होता है धन बनाने का एक अवसर होता है। तो ये भी आंसर हमारा क्या होगा, थ्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थ्रू को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें से कौन सा उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो इसमें से आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, स्टार्टिंग अप अ बिजनेस बेस्ड ऑन अ ओल्ड आइडियाज एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉड्यूल एंड लेस रिस्क। एक पुराने विचार मौजूदा बिजनेस मॉडल और कम जोखिम के आधार पर बिजनेस शुरू करना, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। अफकोर्स यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन होगा, टीचिंग इज एन IIT आर MBBS कोचिंग इंस्टीट्यूट। IIT या फिर MBBS कोचिंग संस्थान में अध्यापन, मतलब कि वहाँ पर जो है पढ़ाना, ये भी एक तरह का एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, स्टार्टिंग अप अ बिजनेस बेस्ड ऑन अ न्यू एप आर सॉफ्टवेयर विथ हाई रिस्क। उच्च जोखिम वाले नए एप या सॉफ्टवेयर के आधार पर एक व्यवसाय या फिर बिजनेस शुरू करना। तो ये जो सी वाला जो आंसर है ये करेक्ट सबसे लग रहा है। तो ये जो सी आंसर होगा हमारा करेक्ट होगा, तो आंसर नंबर सी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें से कौन सा जो है उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है, स्टार्टिंग अप अ न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन अ सिटी। एक शहर में एक नए प्रकार का रेस्टोरेंट शुरू करना। ऑप्शन नंबर बी है, वर्किंग इन अ कॉल सेंटर आर BPO कॉल सेंटर या फिर BPO में काम करना। ऑप्शन नंबर सी है, टीचिंग मैथमेटिक्स इन अ कोचिंग सेंटर में गणित पढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी है, मैनेजिंग एंड कम्प्लीटिंग टास्क गिवन बाय बॉस इन कंपनी। इसमें से कौन सा जो है उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बस ए होगा, स्टार्टिंग अप अ न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन अ सिटी। एक शहर में नए प्रकार का रेस्टोरेंट शुरू करना ये एक तरह का बिजनेस होता है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, उसका एग्जांपल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु इज इन्वॉल्व्ड इन अ फ्यू ऑफ दिस एक्टिविटीज लाइक मैनेजिंग ऑर्गेनाइजिंग इनोवेटिंग एज्यूमिंग रिस्क etc। एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों में से कुछ में शामिल होता है, जैसे कि प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम उठाना। तो अफकोर्स ये सभी जो है एक एंटरप्रेन्योर के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह ट्रू हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर है ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज मैनेजिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड मेकिंग ऑल द डिसीजंस बाय हिमसेल्फ। एक एंटरप्रेन्योर वह होता है जो खुद से डिसीजन लेता है, जैसे मैनेजिंग ऑर्गेनाइजिंग मार्केटिंग के सभी जो डिसीजन होता है वह स्वयं लेता है। तो अफकोर्स वह स्वयं जो है सभी निर्णय लेता है, तो इसका जो आंसर होगा वह ट्रू होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक्स लेस रिस्क अवॉइड एक्सपेरिमेंटेशन। एक उद्यमी वह होता है जो कम जोखिम लेता है या प्रयोग से बचता है। नहीं, एक बिजनेसमैन वह होता है जो जोखिम उठाता है, तभी तो वह बिजनेसमैन बन पाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह फॉल्स हो जाएगा, ये जो होगा फॉल्स होगा, क्योंकि एक बिजनेसमैन जो है हमेशा जो है जोखिम लेता रहता है, क्योंकि बिना रिस्क किए कोई भी बिजनेस नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैन बिकम रिच वेरी फास्ट। एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। तो अफकोर्स एक सक्सेसफुल जो है बिजनेसमैन है तो रिच तो बन ही सकता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द पीपल हु स्टार्ट अप अ बिजनेस बेस्ड ऑन अ न्यू आइडिया आर ऑलवेज सक्सेसफुल। वे सभी लोग जो एक नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करते हैं या बिजनेस शुरू करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो उस बिजनेस में वह सफल ही हो। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92% ऑफ द स्टार्टअप्स आर सक्सेसफुल विद इन द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ स्टार्टिंग।
92% जो स्टार्टअप होते हैं वह शुरू होने से पहले 3 साल के भीतर ही सफल हो जाते हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है, तो ये जो है फॉल्स है। तो इस तरह हमने जो है पहला असेसमेंट कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगला अपना नेक्स्ट असेसमेंट देखेंगे, असेसमेंट नंबर 2। तो यहाँ पर जो असेसमेंट नंबर 2 है वह जो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरियल करेक्टर पर है। तो यहाँ पर हम असेसमेंट नंबर 2 का क्वेश्चंस देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डज एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व, उद्यमिता में क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों का प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी है ऑर्गेनाइजिंग टास्क, कार्यों का आयोजन। ऑप्शन नंबर सी है इवेल्यूटिंग रिस्क इन द न्यू वेंचर, नए उद्यम में जोखिमों का मूल्यांकन। या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से जो है सभी जो है ये उद्यमिता के एग्जांपल्स हैं, या फिर कह सकते हैं उसमें एंटरप्रेन्योरशिप में जो है तीनों जो है शामिल होते हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग मैनेजिंग एंड अज्यूमिंग द रिस्क पर्टेनिंग टू योर एंटरप्राइज ETC एंड द एंटरप्रेन्योरियल इज वन हु इज इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस। उद्यमिता में आपके उद्यम आज से संबंधित जोखिमों को प्रबंधन करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है, और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ट्रू होगा, तो ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग अ बिजनेस टेक्स डज टाइम देन इट टेक्स टू जनरेट द आइडिया फॉर द बिजनेस, व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में जितना समय लगता है उससे व्यवसाय बनाने में डैश समय लगता है। तो ये जो है ऑप्शन ए है शॉर्टर छोटा, ऑप्शन बी है सेम, ऑप्शन सी है लॉन्गर या लंबे समय तक, ऑप्शन डी है कैन नॉट से नहीं कर सकता। यहाँ पर जो है कोई भी व्यवसाय के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए जब कोई आइडिया आता है तो उसमें जितना समय लगता है व्यवसाय बनाने में जो है उससे ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वह हमारा करेक्ट आंसर होगा कि लंबे समय तक जो है व्यवसाय बनाने में समय लगता है। तो यहाँ पर लॉन्गर जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर शुड नॉट बी ग्रीडी टू ग्रो बिग एज दिस नीड्स पेशेंट एज वेल, उद्यमियों को बड़ा होने का लालच नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके लिए भी धैर्य की भी आवश्यकता होती है। ये भी सही बात है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटरप्रेन्योर्स नीड टू हैव डैश टू बी सक्सेसफुल, सफल होने के लिए उद्यमियों के पास डैश होना आवश्यक है। यहाँ पर जो है किसी भी बिजनेसमैन के लिए सफल होने के लिए उसके पास जो है पेशेंस होना बहुत जरूरी है, धैर्य होना बहुत जरूरी है। बाकी सभी तो ऑप्शंस जो है नेग्लेक्ट हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, पेशेंस धैर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्पेसिफिक टूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डैश उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। इसमें से बताना है कौन है जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक स्पेसिफिक टूल होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इनोवेशन अर्थात नवाचार, किसी तरह का नया कुछ खोजना, तो वह जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेसिफिक टूल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर्स नीड मेंबरशिप इन फिजिकल कम्युनिटीज वेयर आइडिया कैन बी शेयर्ड एंड सेव्ड, उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचारों को साझा और आकार दिया जा सकता है। इसका भी जो आंसर होगा वह ट्रू होगा, यहां पर करेक्ट आंसर इज ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इंस्पायर एंड क्रिएट एंटरप्रेन्योरियल लीडर्स विद द ऑर्गेनाइजेशंस, संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को कैसे प्रेरित और तैयार किया जाए। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है उसमें दिया है डेवलप एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इनसाइड ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज एज अ मेन स्ट्रीम स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी, मुख्य धारा रणनीतिक गतिविधि के रूप में उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के भीतर उद्यमशीलता परिस्थिति तंत्र विकसित करें। बी ऑप्शन है प्रमोट एम्प्लॉय ऑप्टेन, कर्मचारियों को अक्सर बढ़ावा दें। सी है बोथ आर दी करेक्ट, दोनों सही है। या फिर डी है नन ऑफ देम, कोई इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, दोनों जो ऑप्शन जो है वह करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एंटरप्रेन्योरियल बट पीपल्स आर एंटरप्रेन्योरियल, संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन जो लोग हैं वह उद्यमी हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह ए होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरियल फ्रेम्ड एज इंटेंशनल इटरेशन क्रिएट्स, जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए जो उद्यम होते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है माइंडसेट दैट इज प्रिपेयर्ड, एक मानसिकता जो तैयार है। ऑप्शन नंबर बी है एक्सपेक्ट मल्टीपल चैलेंजेस, कई चुनौतियों की अपेक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी है बोथ आर करेक्ट, या ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ देम आर करेक्ट, इनमें से कोई सही नहीं है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, बोथ आर करेक्ट। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एन आइडिया इज आइडेंटिफाइड एज द कंटेंट ऑफ कॉग्निशंस, एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ट्रू होगा, यहाँ पर जो ए होगा वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इज एवरी आइडिया इज पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, क्या एक हर विचार संभावित अवसर है? तो ये जरूरी नहीं है कि हर जो विचार है वह संभावित अवसर हो, अपॉर्चुनिटी हो। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर एन आइडिया इज एन अपॉर्चुनिटी आर नॉट, हम कैसे पहचाने कि कोई विचार एक अवसर है या नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है एन आइडिया नीड्स टू बी वैल्यूएबल, एक विचार मूल्यवान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है एन आइडिया नीड्स टू बी फुलफिल द नीड, जरूरत को पूरा करने के लिए एक विचार की जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी है बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम ये दोनों जो ऑप्शन है ए और बी, ये दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी नीड टू इवेल्युएट एन आइडिया, हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है टू नो वेदर कस्टमर विल बाय द एंड प्रोडक्ट ऑफ एन आइडिया, यह जानने के लिए कि ग्राहक किसी विचार के अंतिम उत्पाद को खरीदेंगे या नहीं। ऑप्शन नंबर बी है टू नो वेदर द एंटरप्रेन्योर विल मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ एन आइडिया, यह जानने के लिए कि उद्यमी किसी विचार से लाभ कमाएगा या नहीं। ऑप्शन नंबर सी है टू नो वेदर द एंटरप्रेन्योर कैन मेक अ वेरिएबल प्रोडक्ट आउट ऑफ एन आइडिया, यह जानने के लिए कि क्या उद्यमी एक विचार से परिवर्तनशील उत्पाद बना सकता है। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ एबोव, यहाँ पर जो है आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दी एबोव। यहाँ पर जो डी आंसर है वह करेक्ट है, ये तीनों जो है जरूरी है एक आइडिया को इवेल्युएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर द एबिलिटी टू बैलेंस टेक्निकल नॉलेज एंड मार्केट नॉलेज, सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये दोनों नॉलेज बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिशियन ऑब्जर्व दैट ग्रोसरी स्टोर इन हिज एरिया आर रनिंग सक्सेसफुली एंड वॉन्टेड टू ओपन वन टू, ही ओपन वन बट वॉज नॉट एबल टू प्रॉफिट, वाई? एक बिजली मिस्त्री ने देखा कि उसके क्षेत्र में किराना स्टोर सफलतापूर्वक चल रहे हैं और वह भी एक खोलना चाहता था, उन्होंने भी एक ओपनिंग की लेकिन मुनाफा नहीं कमा पाए, क्यों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है द इलेक्ट्रिशियन डिड नॉट हैव एनी टेक्निकल नॉलेज अबाउट हाउ टू रन अ ग्रोसरी स्टोर, इलेक्ट्रिशियन को किराने की दुकान चलाने के बारे में कोई तकनीकी जानकारी नहीं थी, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं द इलेक्ट्रिशियन डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर ऑलरेडी 3 सक्सेसफुल ग्रोसरी स्टोर इन हिज एरिया एंड देयर वॉज नो नीड फॉर अदर अनदर वन इज इन हिज एरिया, इलेक्ट्रिशियन को यह नहीं पता था कि उसके क्षेत्र में पहले से ही 3 सफल किराना स्टोर हैं और उसके क्षेत्र में दूसरी कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है बोथ आर करेक्ट, यहाँ पर जो है दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो सिंपली पुट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैश दैट फ्लो इन एंड कैश दैट फ्लो आउट, कैश फ्लो उस नकदी के बीच का अंतर है जो प्रवाह में बहती है और नकदी जो बाहर बहती है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपफ्रंट कैपिटल एंड आरएनडी रिक्वायरमेंट शुड बी हाई व्हाइल इवैल्यूएटिंग वेदर एन आइडिया इज एन अपॉर्चुनिटी और नॉट, एक विचार एक अवसर है या नहीं, इसका मूल्यांकन करते समय अपफ्रंट कैपिटल और आरएनडी की आवश्यकता अधिक होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों की आवश्यकता ज्यादा हो, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह बी होगा, फॉल्स है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह फॉल्स होगा। नेक्स्ट है द मार्केट शुड बी लार्ज एंड ग्रोइंग व्हाइल इवैल्यूएटिंग वेदर एन आइडिया इज एन अपॉर्चुनिटी और नॉट, एक विचार एक अवसर है या नहीं, इसका मूल्यांकन करते समय बाजार बड़ा और विकसित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेंचर आर बिजनेस शुड बी ऑफ हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू टू अ पोटेंशियल रिक्वायरमेंट, संभावित अधिग्रहणकर्ता के लिए उद्यम या व्यवसाय उच्च रणनीतिक मूल्य का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह हमारा ट्रू होगा। यहाँ पर जो है एक वेंचर जो बिजनेस होता है वह हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू के लिए पोटेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इज ट्रू। अब हम अपना असेसमेंट नंबर 4 देखेंगे, जहाँ पर जो है अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है ये असेसमेंट नंबर 4 है। यहाँ पर असेसमेंट नंबर 4 में सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वह है डेज इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज लाइक मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड यूज इन द मेकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और डिलीवरी ऑफ अ सर्विस, डैश संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है जैसे भौतिक श्रम और ओवरहेड्स जिनका उपयोग किसी उत्पाद या सेवा के वितरण में किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस है ए इनपुट्स, बी है रिसीवेबल प्राप्तियों, सी है इन्वेंटरीज अर्थात सूची और डी है कॉस्ट यानी कि लागत। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह डी होगा, कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट इज द मैंडेटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज लाइक मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स यूज इन द मेकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और डिलीवरी ऑफ अ सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट वीएस इनडायरेक्ट कॉस्ट आर बेस्ड ऑन दियर एसोसिएशंस विद डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्शंस, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव पर आधारित है। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कॉच दैट डू नॉट वेरी इन द शॉर्ट टर्म रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन आउटपुट लेवल्स आर कॉल्ड डेज कॉस्ट। वे लागतें जो उत्पाद के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पावधि में भिन्न नहीं होती हैं, उन्हें डेज लागत कहा जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट होगा प्रत्यक्ष लागत, बी है इनडायरेक्ट कॉस्ट अप्रत्यक्ष लागत, सी है फिक्स्ड कॉस्ट निश्चित लागत, डी है एक्सपायर्ड कॉस्ट या खर्च की लागत। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी है फिक्स्ड कॉस्ट अर्थात निश्चित लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेल कंपनीज लाइक रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, बिग बाजार हैव डैश डिग्री ऑफ कन्वर्जन। रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, बिग बाजार जैसी खुदरा कंपनियों के पास डैश डिग्री रूपांतरण है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है लो टू मीडियम, निम्न से मध्यम, बी ऑप्शन है मीडियम टू हाई, मध्यम से उच्च, सी ऑप्शन है लो टू हाई, नीचे से ऊपर तक, या डी ऑप्शन है हाई टू मीडियम, उच्च से मध्यम। यहाँ पर जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह ये होगा लो टू मीडियम, निम्न से मध्यम। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश द की डिटरमिनेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS विच अपीयर्स ऑन द P&L स्टेटमेंट अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बेचे गए माल COGS की लागत के प्रमुख निर्धारक हैं डैश जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाई देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है इनडायरेक्ट कॉस्ट अप्रत्यक्ष लागत, बी है फिक्स्ड कॉस्ट या निश्चित लागत, सी है एक्सपायर्ड कॉस्ट खर्च की लागत, डी है प्रोडक्ट कॉस्ट या सामान का मूल्य। यहाँ पर जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह डी है सामान का मूल्य अर्थात प्रोडक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द कॉस्ट ऑफ एनी मटेरियल डायरेक्टली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट। डैश उत्पादन की उत्पाद में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है। यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन है एक्सपायर्ड कॉस्ट समाप्त लागत, बी ऑप्शन है प्रोडक्ट कॉस्ट उत्पाद लागत, सी है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्रत्यक्ष सामग्री लागत, डी है अनएक्सपायर्ड कॉस्ट असमाप्त लागत। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह सी है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्रत्यक्ष सामग्री लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कॉस्ट इंक्लूड सैलरीज, बोनस, इंश्योरेंस, पेंशन, बेनिफिट्स एंड लीव पेड टू द इंडिविजुअल इन्वॉल्व। डैश लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन, लाभ, अर्जित अवकाश का भुगतान शामिल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सरप्लस अतिरिक्त, ऑप्शन नंबर बी है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्रत्यक्ष सामग्री लागत, ऑप्शन नंबर सी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रत्यक्ष श्रम लागत, ऑप्शन नंबर डी है अनएक्सपायर्ड कॉस्ट अनपेक्षित लागत। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रत्यक्ष श्रम लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट एलोकेशन इज अ मेथड थ्रू विच अ बिजनेस एलोकेट्स और डिस्ट्रीब्यूट्स एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट अक्रॉस वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट। लागत आवंटन एक तरीका है जिसके माध्यम से एक व्यवसाय विभिन्न लागत वस्तुओं में अप्रत्यक्ष लागत आवंटित या वितरित करता है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कॉस्ट दैट वेरी विद द आउटपुट्स आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। वे लागतें जो उत्पादन के साथ भिन्न होती हैं परिवर्तनशील लागतें कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वह प्रोडक्ट कॉस्ट उत्पाद लागत, बी है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्रत्यक्ष सामग्री लागत, सी है वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनीय लागत, डी है फिक्स्ड कॉस्ट निश्चित लागत। इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनीय लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कॉस्ट आर दोज दैट हैव बीन कम्प्लीटली कंज्यूम आर द बेनिफिट्स फ्रॉम विच हैव बीन रिसीव बाय द बिजनेस। डैश लागत वे हैं जिनका पूरी तरह से उपभोग कर लिया गया है या जिनसे व्यवसाय को लाभ प्राप्त हो गया है। ऑप्शन नंबर ए है एक्सपायर्ड कॉस्ट खर्ची लागत, ऑप्शन नंबर बी है अनएक्सपायर्ड कॉस्ट अनपेक्षित लागत, ऑप्शन नंबर सी है डायरेक्ट कॉस्ट प्रत्यक्ष लागत, ऑप्शन नंबर डी है इनडायरेक्ट कॉस्ट अप्रत्यक्ष लागत। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया वह ए होगा एक्सपायर्ड कॉस्ट खर्च की लागत। तो इस तरह से हमारा जो है चौथा असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। तो पांचवा नंबर हमारा असेसमेंट है जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स आर ट्रेड्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शंस। एक सफल उद्यमी के लक्षण क्या हैं, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए है रिस्क टेकर, जोखिम लेने वाला, गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य उन्मुखी। ऑप्शन नंबर सी है थ्राइव ऑन अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता पर कायम रहे। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर जो ऑप्शंस होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट अ करैक्टरिस्टिक्स अ ट्रेट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सफल उद्यमी की विशेषता क्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है गुड कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा संचार कौशल। ऑप्शन नंबर बी है टू हैव स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज, मजबूत तकनीकी ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर सी है क्विट सॉफ्टवे व्हेन द सिचुएशंस बिकम डिफिकल्ट, जब स्थिति विकट हो जाती है तो बीच में ही छोड़ देता है। ऑप्शन नंबर डी है सॉल्व अ प्रॉब्लम विथ अ यूनिक एंड क्रिएटिव सॉल्यूशंस, एक अद्वितीय और रचनात्मक समाधान के साथ समस्या का समाधान करता है। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का इसमें से बताना है कि क्या विशेषताएं नहीं है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बस सी होगा, क्विट हाफ वे व्हेन अ सिचुएशंस बिकम डिफिकल्ट, जब स्थिति बिकट हो जाती है तो बीच में ही छोड़ देता है, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड हाउ दे कैन मेक देम बेटर, व्हिच स्टेट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। उद्यमी हमेशा चीजों को करने के लिए नए तरीकों की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं, यहाँ किस गुण की चर्चा की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिमिस्टिक नेचर, आशावादी प्रकृति। ऑप्शन नंबर बी है कंसिस्टेंसी, संगति। ऑप्शन सी है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। ऑप्शन नंबर डी है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बस सी होगा, क्रिएटिविटी अर्थात रचनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर्स इफेक्टिवली सेल दियर प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज टू क्लाइंट्स एंड कस्टमर, व्हिच ट्रेट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी ढंग से ग्राहकों को बेचते हैं, यहाँ किस गुण की चर्चा की जा रही है। ऑप्टिमिस्टिक नेचर, आशावादी प्रकृति, गोल ओरिएंटेड लक्ष्य उन्मुखी, कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल, क्रिएटिविटी अर्थात रचनात्मकता। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इसका बस सी होगा, कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर डोंट लेट अनसर्टेनिटी एंड पोटेंशियल फेलियर स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हिच ट्रेट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को वह करने से नहीं रोकते हैं जो करने की आवश्यकता है, यहाँ किस गुण की चर्चा की जा रही है। तो ऑप्शन ए है कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल। ऑप्शन बी है स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज, मजबूत तकनीकी ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। ऑप्शन डी है रिस्क टेकर, जोखिम लेने वाला। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह डी होगा, रिस्क टेकर, जोखिम लेने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डेज इज द एबिलिटी टू इवेल्युएट, एसिमिलेट एंड एक्सप्लोइट नॉलेज। डेज ज्ञान का मूल्यांकन, आत्मसात और दोहन करने की क्षमता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए है एडेप्टिव कैप्टिविटी, यूजक क्षमता। ऑप्शन बी है असिमिलेटिव कैपेसिटी, आत्मसात करने की क्षमता। ऑप्शन सी है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, अवशोषण क्षमता। ऑप्शन डी है अट्रैक्टिव कैपेसिटी, आकर्षक क्षमता। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी कम्स फ्रॉम पीयर रिलेटेड नॉलेज टू बी एबल टू मेक सेंस ऑफ, रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ एंड यूज न्यू इन्फॉर्मेशन। सोखने की क्षमता पूर्व संबंधित ज्ञान से आती है, जो समझने में सक्षम हो के मूल्य को पहचान सके और नई जानकारी का उपयोग करे। यहाँ पर आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। यहाँ पर जो ये जो क्वेश्चन है ये जो है ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू हैव पीयर नॉलेज एंड रिलेटेबल एक्सपर्टाइज टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सफल उद्यमी बनने के लिए संबंधित विशेषज्ञता का पूर्व ज्ञान होना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है पीयर नॉलेज कंट्रीब्यूट्स टू एक्सपेक्टेशन फॉर्मेशन, पूर्व ज्ञान अपेक्षा निर्माण में योगदान देता है। ऑप्शन बी है हेल्प्स टू मेक डिसीजंस लाइक वेदर टू इन्वेस्ट इन एन आइडिया आर नॉट, विचार में निवेश करना है या नहीं, कैसे निर्णय लेने में मदद कर सकता है। ऑप्शन सी है पीयर नॉलेज डज नॉट हेल्प मच, इट इज नॉट required to become successful entrepreneur, पूर्व ज्ञान ज्यादा मदद नहीं करता है, एक सफल उद्यमी बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सक्सेसफुल टेलर वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू सो ही ओपन अ स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट इन हिज एरिया, बट हिज रेस्टोरेंट डिड नॉट रन प्रॉपरली एंड इवेंचुअली ही हैड टू क्लोज इट डाउन, व्हाई, प्लीज सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शंस। एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने इलाके में स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट खोल लिया, लेकिन उनका रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चला और आखिरकार उन्हें इसे बंद करना पड़ा, कृपया सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करें। यहाँ पर ऑप्शन ए है ही वॉज नॉट अ रिस्क टेकर, वह जोखिम लेने वाला नहीं था। ऑप्शन बी है ही वॉज नॉट गोल ओरिएंटेड, वह लक्ष्य उन्मुख नहीं था। ऑप्शन सी है ही डिड नॉट हैव प्रियर नॉलेज टू हाउ टू रन अ रेस्टोरेंट, उन्हें रेस्टोरेंट चलाने का पूर्व ज्ञान नहीं था। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये जो है करेक्ट आंसर फिट बैठ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉलेजेबल कुक ओपन अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट इन चेन्नई, बट द बिजनेस वॉज नॉट रनिंग स्मूथली एंड लेटर ऑन ही हैड टू क्लोज इट, व्हाट वेंट रॉन्ग। एक जानकार रसोईया ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट खोला, लेकिन व्यापार सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उन्हें इसे बंद करना पड़ा, तो क्या गलत हो गया। तो ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है ही डिड नॉट हैव टेक्निकल नॉलेज, उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था। ऑप्शन बी है दे वर टू मेनी कम्पिटिटर्स एंड ही वॉज नॉट क्रिएटिव इन मेन्यू टू अट्रैक्ट कस्टमर, वे बहुत अधिक प्रतियोगी थे और वह ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मेन्यू में रचनात्मक नहीं थे। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है नाइदर इज करेक्ट, दोनों में से सही नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ये दोनों जो है करेक्ट आंसर हैं। अब हम असेसमेंट नंबर 6 को देखेंगे।
पहला क्वेश्चन से डेज इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग एसेट्स लायबिलिटीज एंड इक्विटी, व्यवसाय की सभी मौजूदा संपत्तियों देनदारियों और इक्विटी का रिकॉर्ड है। तो यहाँ ऑप्शंस में से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ और हानि पत्रक। ऑप्शन बी है स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लो, नकदी प्रवाह का बयान। ऑप्शन सी है बैलेंस शीट तुलन पत्र। ऑप्शन डी है जनरल सामान्य दैनंदिनी। यहाँ पर जो है जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो है सभी जो एग्जिस्टिंग एसेट्स होते हैं, लियाबिलिटीज होते हैं और इक्विटी होते हैं, उनका जो है रिकॉर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर थ्री फाइनेंशियल शीट्स दैट यूज टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट अ बिजनेस, तीन वित्तीय पत्र कौन से हैं जिनका उपयोग किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए है बैलेंस शीट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ऑप्शन बी है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, लेजर अकाउंट। ऑप्शन सी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जनरल लेजर अकाउंट। ऑप्शन डी है स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह डी होगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये जो तीनों ऑप्शन है ये किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस शीट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ अ बिजनेस रेवेन्यूज एंड कॉस्ट ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, टिपिकली एवरी क्वार्टर ऑफ एवरी ईयर। बैलेंस शीट व्यवसाय के सभी राजस्व और समय की एक निश्चित अवधि, आमतौर पर हर तिमाही और हर साल की लागत का एक रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये जो है फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विटी एंड लियाबिलिटीज कम फर्स्ट इन अ बैलेंस शीट फॉलोज बाय एसेट, संपत्ति के बाद बैलेंस शीट में इक्विटी और देनदारियां सबसे पहले आती हैं। तो यहाँ पर बताना आपको ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये जो है ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशंस, सही समीकरण का चयन करें। ऑप्शन ए है टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लियाबिलिटीज प्लस इक्विटी। ऑप्शन बी है टोटल लियाबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट प्लस इक्विटी। ऑप्शन सी है टोटल इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट प्लस टोटल लियाबिलिटीज। ऑप्शन डी है टोटल इक्विटी इज इक्वल टू टोटल लियाबिलिटीज माइनस टोटल एसेट। यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ए है, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लियाबिलिटीज प्लस इक्विटी, कुल संपत्ति बराबर कुल देनदारियां प्लस इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट, एक व्यवसाय किसके बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए है मैन पावर, श्रम शक्ति। ऑप्शन बी है कैश या नकद। ऑप्शन सी है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह कैश होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता हैज अ ग्रोसरी शॉप, द कस्टमर्स हैव ऑलरेडी पेड ₹5,000 टू हर, गीता डिसाइडेड टू पे हर सप्लायर रेट 2,000 एट द एंड ऑफ द वीक, अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस कैलकुलेट हर प्रॉफिट। गीता की किराने की दुकान है, ग्राहक पहले से ही उसे ₹5,000 का भुगतान कर चुके हैं। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को ₹2,000 देने का फैसला किया, उपार्जन आधार के अनुसार उसके लाभ की गणना करें। यदि ग्राहक ने गीता को ₹5,000 दिए, उसने ₹2,000 जो है सप्लायर को दे दिए, तो 5,000 में से 2,000 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 3,000। यहाँ पर हमारा 3,000 जो है वह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अकाउंटेंट्स वर्ल्ड वाइड यूज द ट्रिपल एंट्री सिस्टम टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स, लेखाकार दुनिया भर में लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर बताना आपको ट्रू है या फॉल्स, तो ये जो है फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजेक्शन्स आर इंटर्ड इनटू द जनरल जॉनरल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कलानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। तो ये भी बताना आपको ट्रू है या फॉल्स, तो ये जो है ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेज इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ अ बिजनेस एग्जिस्टिंग एसेट लायबिलिटीज एंड इक्विटी, व्यवसाय की सभी मौजूदा संपत्तियों देनदारियों और इक्विटी का रिकॉर्ड है। यहाँ पर ऑप्शन सी है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ और हानि पत्रक। ऑप्शन बी है स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लो, नकदी प्रवाह का बयान। ऑप्शन सी है बैलेंस शीट तुलन पत्र। ऑप्शन डी है जनरल सामान्य दैनंदिनी। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, बैलेंस शीट। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है मेक मनी फॉर इन्वेस्टर बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज, सामान या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा बनाएं। ऑप्शन बी है मेक मनी फॉर रिटेलर्स बाय प्रोवाइडिंग गुड्स फॉर सर्विसेज, सेवाओं के लिए सामान प्रदान करके
खुदरा विक्रेताओं के लिए पैसा कमाएं। ऑप्शन सी है मेक मनी फॉर कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग गुड और सर्विसेज, सामान या सेवाएं प्रदान करके ग्राहकों के लिए पैसे कमाएं। ऑप्शन डी है मेक मनी फॉर एम्प्लॉइज बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज, सामान या सेवाएं प्रदान करके कर्मचारियों के लिए पैसा कमाएं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, मेक मनी फॉर इन्वेस्टर बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द की इनपुट्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के प्रमुख इनपुट्स क्या हैं? तो ऑप्शन ए है लेबर अर्थात श्रम, ऑप्शन बी है लैंड भूमि, ऑप्शन सी है कैपिटल राजधानी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो हमारा आंसर डी है ऑल ऑफ द अबव, ये जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय का आउटपुट क्या है? ऑप्शन ए है गुड्स चीजें, ऑप्शन बी है सर्विसेज सेवाएं, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ द अबव ऊपर के दोनों, ऑप्शन डी है नाइदर इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो है बिजनेस का जो आउटपुट है वह गुड्स और सर्विसेज दोनों होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस फॉर्म ऑफ बिजनेसेस, व्यवसाय के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है सोल प्रोप्राइटरशिप, फ्रेंडशिप या कॉरपोरेशन, एकल स्वामित्व, मैत्री या फिर निगम, ऑप्शन बी है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोमेमोरेशन, ऑप्शन डी है सोल प्रेसिडेंसीप, पार्टनरशिप, कोमेमोरेशन। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, एक एकल स्वामित्व क्या है? अ सिंगल ओनर हु इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, एक अकेला मालिक जो आमतौर पर व्यवसाय के दिन प्रतिदिन चलने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन बी है अ सिंगल एम्प्लॉय हु यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, एक अकेला कर्मचारी जो आमतौर पर व्यवसाय के दिन प्रतिदिन चलने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी है अ सिंगल रिटेलर इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल, एक अकेला रिटेलर भी आमतौर पर जिम्मेदार होता है। ऑप्शन डी है अ सिंगल पार्टनर हु इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, एक एकल भागीदार जो आमतौर पर व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन के लिए भी जिम्मेदार होता है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए होगा, अ सिंगल ओनर हु इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैज हैज मल्टीपल ओनर्स आर पार्टनर्स, सम ऑफ हुम आर आल्सो यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेसेस, किसके कई मालिक या भागीदार हैं जिनमें से कुछ आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय चलाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है फ्रेंडशिप दोस्ती, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंटशिप अध्यक्षता, ऑप्शन सी है पार्टनरशिप साझेदारी, ऑप्शन डी है कॉरपोरेशंस निगम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, पार्टनरशिप साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉरपोरेशंस, एक निगम क्या है? ऑप्शन ए है अ सेपरेट लीगल एंटिटीज विथ अ लार्ज नंबर ऑफ ओनर्स, बड़ी संख्या में स्वामियों के एक साथ अलग कानूनी इकाई, ऑप्शन बी है अ सेपरेट इलीगल एंटिटी विथ अ लार्ज नंबर ऑफ ओनर्स, बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग अवैध इकाई, ऑप्शन सी है मल्टीपल ओनर्स आर पार्टनर्स सम ऑफ हुम आर यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, एक से अधिक मालिक या भागीदारी जिनमें से कुछ आमतौर पर व्यवसाय के लिए दिन प्रतिदिन चलने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, अ सेपरेट लीगल एंटिटी विथ अ लार्ज नंबर ऑफ ओनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई अ नॉन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का एक गैर उदाहरण पहचाने। ऑप्शन ए है हाउ मच वैल्यू इन रुपीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैज द बिजनेस सोल्ड, कितने मूल्य की वस्तु या सेवा का व्यापार ने रुपयों में विक्रय किया है। ऑप्शन बी है लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लैंड फैसिलिटीज बिल्डिंग एटीसी द बिजनेस मेड, भूमि सुविधाओं भवनों आदि में किए गए व्यवसायों में किए गए निवेश की सूची। ऑप्शन सी है कॉस्ट ऑफ द बिजनेस इंकर्ड, व्यवसाय में खर्च होता है। ऑप्शन डी है लिस्ट एंड डिटेल्स ऑफ फेवरेट कस्टमर, पसंदीदा ग्राहकों की सूची और विवरण। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह डी होगा, लिस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ फेवरेट कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैज इज अबाउट प्लानिंग फॉर द अनसर्टन फ्यूचर्स एंड डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड द बिजनेस मेक, अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में है कि व्यवसाय को किस प्रकार का निवेश करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए है फाइनेंस अर्थात वित्त, ऑप्शन बी है गवर्नेंस शासन, ऑप्शन सी है मेंटेनेंस रखरखाव, ऑप्शन डी है डोमिनेंस या प्रभाव। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेज इज अ वे फॉर अ बिजनेस टू रेस कैपिटल बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू रीपे एंटिटीज दैट प्रोवाइड कैपिटल, इंस्टेड एंटिटीज आर गिवन ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, एक व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक तरीका है लेकिन इसके बदले पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाओं को चुकाने की कोई बाध्यता नहीं है, संस्थाओं को व्यवसाय का स्वामित्व दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए है लियाबिलिटीज देयताएं,
ऑप्शन बी है इक्विटी हिस्सेदारी, ऑप्शन सी है पार्टनरशिप साझेदारी, ऑप्शन डी है एसेट्स अर्थात संपत्ति। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा लियाबिलिटीज। तो यहाँ पर हमारा असेसमेंट नंबर 7 जो है वह कंप्लीट होता है। अब हम असेसमेंट नंबर 8 को देखेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बैलेंस शीट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बैलेंस शीट को दो भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शंस ए है एसेट्स लियाबिलिटीज संपत्ति और देनदारियां, ऑप्शंस बी है इक्विटी एंड लियाबिलिटीज इक्विटी और देनदारियां, ऑप्शन सी है इक्विटी एंड एसेट्स इक्विटी और एसेट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा एसेट्स एंड लियाबिलिटीज संपत्ति और देनदारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश शीट रिप्रेजेंट्स द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ अ बिजनेस एज ऑफ अ पर्टिकुलर डेट टिपिकली एट द एंड ऑफ अ क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर। डैश शीट एक विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर वित्तीय वर्ष की एक तिमाही में के अंत में। यहाँ पर ऑप्शन ए है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो नकद आमद विवरण, ऑप्शन बी है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ऑप्शन सी है बैलेंस शीट, ऑप्शन डी है लेजर शीट। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इन्वेंट्री इज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स हेल्ड वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड हेल्ड बाय द बिजनेस। कच्चे माल के मूल्य की सूची कार्य प्रक्रिया और व्यापार द्वारा अच्छी तरह से तैयार किया गया। यहाँ पर आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। यहाँ पर जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ एसेट्स एंड लियाबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज करेंट एंड नॉन करेंट। संपत्ति और देनदारियों दोनों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर भी आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये भी जो है ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेज आर दोज एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू सोल्ड आर कन्वर्टेड टू कैश आर कंज्यूम विद इन वन ईयर। ये ऑप्शन में से आपको बताना है कि वे कौन सी संपत्तियां हैं जिनकी एक वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकद में परिवर्तित होने या उपभोग किए जाने की उम्मीद है। तो ऑप्शंस ए है करंट एसेट वर्तमान संपत्ति, ऑप्शन बी है करंट लियाबिलिटीज वर्तमान देनदारियां, ऑप्शन सी है नॉन करंट एसेट गैर तत्कालिक परिसंपत्ति, ऑप्शन डी है नॉन करंट लियाबिलिटीज गैर मौजूदा देनदारियां। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा करंट एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन करंट एसेट इंक्लूड्स डैश विच टिपिकली लास्ट फॉर मोर देन वन ईयर। गैर वर्तमान संपत्तियों में क्या शामिल है जो आमतौर पर एक वर्ष से अधिक समय तक चलती है। तो ऑप्शन ए है प्लांट प्रॉपर्टी एंड एस्टेब्लिशमेंट, ऑप्शन बी है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, ऑप्शन सी है पेंशन प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, ऑप्शन डी है प्लांट प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह बी है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है What are the common types of current assets? वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या हैं? तो ऑप्शंस ए है कैश इन्वेंट्रीज डिलीवरेबल्स लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस, नगद इन्वेंट्री डिलीवरेबल्स लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम, ऑप्शंस बी है टेंजिबल एसेट्स इनटेंजिबल एसेट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी है कैश इन्वेंट्रीज इनटेंजिबल एसेट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ऑप्शन डी है कैश इन्वेंट्रीज इंटेंजिबल एसेट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह डी होगा कैश इन्वेंट्रीज इंटेंजिबल एसेट एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड हेल्ड बाय द बिजनेस। डैश कार्य प्रक्रिया में रखे गए कच्चे माल का मूल्य और व्यवसाय द्वारा अच्छी तरह से तैयार किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए है सरप्लस, ऑप्शन बी है रेवेन्यूज, ऑप्शन सी है डिबेंचर्स, ऑप्शन डी है सरप्लस। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह बी होगा रेवेन्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी इनकम आर प्रॉफिट नॉट पेड आउट टू शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डैश। शेयर धारकों को भुगतान न की गई आय या लाभ को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है रिटेन्ड अर्निंग, ऑप्शन बी है रेवेन्यूज, ऑप्शन सी है डिबेंचर्स, ऑप्शन डी है सरप्लस। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा रिटेन्ड अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एन इनकम स्टेटमेंट। डैश को आय विवरण भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ऑप्शन सी है बैलेंस शीट, ऑप्शन डी है जनरल जर्नल। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह बी होगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है अ ट्रस्टेड एडवाइजर प्रमोट्स अ प्रोडक्ट एग्रेसिवली टू द कस्टमर। एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पाद को बढ़ावा देता है। यहाँ पर ही बताना है कि आपको ये ट्रू है या फॉल्स। तो ये जो है फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू बिकम अ ट्रस्टेड एडवाइजर। एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने। ऑप्शन ए है अंडरस्टैंड द कंसर्न ऑफ द कस्टमर, ऑप्शन बी है पेडल्स आर प्रमोट द प्रोडक्ट, ऑप्शन सी है बोथ आर द करेक्ट, ऑप्शन डी है नाइदर इज करेक्ट। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस प्रॉमिस इज द एश्योरेंस गिवेन टू द कस्टमर अबाउट इन टाइम डिलीवरी ऑफ एश्योर्ड डैज एंड डैज ऑफ द प्रोडक्ट। सेवा वादा उत्पाद के सुनिश्चित डैज और डैज के समय पर वितरण के बारे में ग्राहक को दिया गया आश्वासन है। तो ऑप्शन ए है इंटीग्रिटी एंड सर्टेनिटी, अखंडता और निश्चितता। ऑप्शन बी है सिंसियरिटी एंड स्पेशियलिटी, ईमानदारी और विशेषता। ऑप्शन सी है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मात्रा और गुणवत्ता। ऑप्शन डी है वैरायटी एंड गारंटी, विविधता और गारंटी। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीवरिंग व्हाट अ कस्टमर वांट्स इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सर्विस प्रॉमिस। ग्राहक जो चाहता है उसे डिलीवर करना सेवा के वादे के घटक में से एक है। तो बताना है कि आपको ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स। हमें ग्राहकों की जरूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए। ऑप्शन ए है द मोटिव ड्राइविंग द कस्टमर टू परचेज एन आइटम्स इज द नीड फॉर इट। किसी वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक को प्रेरित करने का मकसद उसकी आवश्यकता है। ऑप्शन बी है इंश्योर्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी, ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी है बोथ आर दी करेक्ट, ऑप्शन डी है नाइदर इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो है दोनों ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स इज ऑफ वैल्यू फॉर द बिजनेस। ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रू है या फॉल्स, ये जो है ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव लिसनिंग इज वन ऑफ द क्लाइंट रिएक्शंस टू अ टिपिकल सेल्स पिच। सक्रिय श्रवण एक विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहक की प्रतिक्रियाओं में से एक है। ये भी बताना आपको ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये जो है फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ अ गुड सेफ पिच। एक अच्छी सेफ पिच की सही संरचना का चयन करें। ऑप्शन ए है हुक एंड ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी है रुक एंड ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी है रुक एंड सब्जेक्टिव, ऑप्शन डी है नुक एंड सब्जेक्टिव। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, हुक एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग इज द सेम एज लिसनिंग। सुनना सुनने के समान है। ये ट्रू है या फॉल्स, ये जो है ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसनिंग फॉर एंजॉयमेंट इज कॉल्ड एज। आनंद के लिए सुनना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है अप्रिसिएटिव लिसनिंग, सराहनी श्रवण। ऑप्शन बी है आर्टिकुलेटिव लिसनिंग, कलात्मक श्रवण। ऑप्शन सी है इंस्पिरेशनल लिसनिंग, प्रेरक श्रवण। ऑप्शन डी है एम्पैथेटिक लिसनिंग, सहानुभूतिपूर्ण श्रवण। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, अप्रिसिएटिव लिसनिंग। तो यहाँ पर हमारा जो है 9वां असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट असेसमेंट पे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम अपना 10वां असेसमेंट कंप्लीट करेंगे। असेसमेंट नंबर 10 में पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज अ कस्टमर परचेजिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टोर। ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है। तो ऑप्शन ए है बिकॉज द कस्टमर वैल्यूज द एसी यू प्रोवाइड इनसाइड द शॉप, क्योंकि दुकान के अंदर आप जो एसी देते हैं उस पर ग्राहक ध्यान देता है। ऑप्शन बी है बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट आर सर्विसेज द शॉप प्रोवाइड, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। ऑप्शन सी है बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द फ्रेंडशिप विद द शॉप ओनर, क्योंकि ग्राहक दुकान के मालिक से दोस्ती की कदर करता है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह बी होगा, बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट आर सर्विसेज द शॉप प्रोवाइडेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू इज व्हाट द शॉप स्टोर प्रोवाइड्स टू द कस्टमर, लाइक सर्विसेज ऑफ अ शॉप आर फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। मूल्य वह है जो दुकान ग्राहक को प्रदान करती है, जैसे कि दुकान की सेवाएं या किसी उत्पाद की विशेषताएं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह फॉल्स होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए वैल्यू इज कस्टमर डिफाइंड, मूल्य ग्राहक परिभाषित है। ऑप्शन बी वैल्यू इज कंसल्टेंट डिफाइंड, मूल्य सलाहकार परिभाषित है। ऑप्शन सी सेल्समैन डिफाइंड, विक्रेता परिभाषित। ऑप्शन डी वैल्यू इज बिजनेसमैन डिफाइंड। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट है। ऑप्शन ए इज वैल्यू इज कस्टमर डिफाइंड, ये जो करेक्ट स्टेटमेंट है, जो मूल्य होता है वह कस्टमर डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए वैल्यू डिपेंड्स ऑन फीचर्स और सर्विसेज प्रोवाइड बाय द स्टोर, मूल्य स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है वैल्यू डिपेंड्स ऑन फीचर्स और सर्विसेज सोल्ड बाय द सेल्समैन, मूल्य विक्रेता द्वारा बेची गई सुविधाओं
या सेवाओं पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी है वैल्यू डिपेंड्स ऑन दी फीचर्स आर सर्विसेज डिस्काउंटेड बाई स्टोर ओनर, मूल्य स्टोर के स्वामी द्वारा छूट दी गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी है वैल्यू डिपेंड्स ऑन फीचर्स आर सर्विसेज कंज्यूम बाई द कस्टमर, मूल्य ग्राहक द्वारा उपभोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह डी होगा, वैल्यू डिपेंड्स ऑन दी फीचर्स आर सर्विसेज कंज्यूम बाई दी कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द वैल्यू रिसाइड, मूल्य कहाँ रहता है। ऑप्शन ए इन द सेल्समैन माइंड, सेल्समैन के दिमाग में। ऑप्शन बी है एट द पोक ऑफ द स्टोर, दुकान की पोक पर। ऑप्शन सी है इन द कस्टमर्स माइंड, ग्राहक के मन में। ऑप्शन डी है इन द स्टोर्स ओनर्स माइंड। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, इन द कस्टमर्स माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू कैन बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ डैश प्रस्पेक्टिव एज वेल एज बेस्ड ऑन डैश, मूल्य को क्या परिपेक्ष के साथ साथ क्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शंस ए है कस्टमर या कॉस्ट, ऑप्शंस बी है न्यू कमर या प्राइस, ऑप्शन सी है कस्टमर या प्राइस, ऑप्शन डी है न्यू कमर या कॉस्ट। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, कस्टमर और प्राइस। वैल्यू कैन बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ कस्टमर परस्पेक्टिव एज वेल एज बेस्ड ऑन प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है Does everyone competes on price as no one is exploring how they are able to differently adding value to customer? इन चारों में से क्या ऑप्शंस करेक्ट है, जो हर कोई कीमत पर स्पर्धा करता है क्योंकि कोई भी यह नहीं खोज रहा है कि वे ग्राहक के लिए अलग अलग मूल्य कैसे जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शंस ए है डिजिटाइजेशन, ऑप्शंस बी है कमोडिटाइजेशन, ऑप्शन सी है प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन सी है कैपिटलाइजेशन। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह बी होगा, कमोडिटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is advantage of adopting a value perspective? मूल्य परिप्रेक्ष्य अपनाने से क्या लाभ है। ऑप्शन ए है क्लियर डिफ्रेंशिएशन, स्पष्ट भेद। ऑप्शन बी है हेल्पिंग द कस्टमर अंडरस्टैंड हाउ एंड हाउ मच दे बेनिफिट्स दे आस्किंग फॉर अ शेयर ऑफ दैट बेनिफिट, ग्राहक को यह समझाने में मदद करना कि उन्हें कैसे और कितना लाभ होता है, फिर उस लाभ में से हिस्सा मांग रहे हैं। ऑप्शन सी एबिलिटी टू जस्टिफाई प्राइसिंग आर एवर प्राइस एट द प्रीमियम, मूल्य निर्धारण या यहाँ तक कि प्रीमियम पर कीमत को सही ठहराने की क्षमता। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है According to the value framework for entrepreneurs, select the best statement below. उद्यमियों के लिए मूल्य ढांचे के अनुसार नीचे दिए गए सर्वोत्तम कथन का चयन करें। ऑप्शंस ए है वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू डिलीवरी, वैल्यू कैप्चर। ऑप्शंस बी है वैल्यू कैप्चर, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू डिलीवरी। ऑप्शन सी है वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू कैप्चर, वैल्यू डिलीवरी। ऑप्शन डी है वैल्यू डिलीवरी, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू कैप्चर। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू डिलीवरी, देन वैल्यू कैप्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज अ कस्टमर परचेजिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टोर, ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है। बिकॉज द कस्टमर वैल्यूज द एसी यू प्रोवाइड इनसाइड द शॉप, क्योंकि ग्राहक आपके द्वारा दुकान के अंदर दिए जाने वाले एसी से एसी की कद्र करता है। बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट आर सर्विसेज इन द शॉप प्रोवाइड, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान पर प्रदान की जा रही है। ऑप्शन सी बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द फ्रेंडशिप विद द शॉप ओनर, क्योंकि ग्राहक दुकान के मालिक से दोस्ती की कद्र करता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यह करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट आर सर्विसेज इन द शॉप प्रोवाइड्स। तो इस तरह टीसी एग्जाम के 10 असेसमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपको सभी असेसमेंट के जो क्वेश्चन है वह समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि किस तरह से जो है क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यही जो क्वेश्चन होते हैं इसी में से जब आपका फाइनल एग्जाम होगा वहाँ पर भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर ये सेम क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन जो होगा वह घुमा के आपको दे देगा। अब यदि आप इन सभी असेसमेंट के क्वेश्चंस और आंसर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस पीडीएफ को बाय करके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इस पीडीएफ को बाय करते हैं तो उसके साथ आपको टीसी एग्जाम का जो फाइनल एग्जाम होता है उसके ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप जितना चाहे उतनी बार मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। यदि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर होना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।